हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं जय, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लासी यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के 12 अप्रैल के करंट वीडियो को। तो फटाफट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नए हैं चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन है वहाँ से सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिले, किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज के 751 नंबर वीडियो को, क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, विच कंपनी हैज अनाउंस द क्लोज ऑफ द स्मार्टफोन बिजनेस। किस कंपनी ने जो स्मार्टफोन कारोबार है उसको बंद करने की घोषणा की है? तो निम्न में से किस कंपनी ने की है? वो की एलजी कंपनी ने। राइट आंसर क्या है? एलजी कंपनी वो मोबाइल का कारोबार है वो बंद करने जा रही है। दक्षिण कोरिया ये कंपनी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने क्या मोबाइल फ़ोन कारोबार बंद करने की घोषणा कर दी है। मोबाइल फ़ोन बिजनेस यूनिट बंद करने से कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंडक्ट डिवाइजेज, स्मार्ट होम्स, बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशन जैसे एरिया पर क्या फोकस कर सकेगी। ये इसके जो अन्य क्षेत्र उसमें क्या मोबाइल कारोबार बंद करने से उन पर फोकस ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं एक रिवीजन के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है रिवीजन के अंदर की वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम यानी विश्व जो शहर सांस्कृतिक मंच है उसमें भारत और दिल्ली का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो कौन करेंगे? वो करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कौन करेंगे? अरविंद केजरीवाल। और क्वेश्चन नंबर है दो, नासा के चंद्र एक्सरे वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्सरे के उत्सर्जन का पता लगाया? तो कौन से ग्रह पर लगाया? वो लगाया यूरेनस पर। किस पे? यूरेनस ग्रह के ऊपर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में उस कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो उन्हें किस वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ में बने रहने योग्य देगा? तो वह 2040 तक। जोसा उस्मानी को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो है कोसोवो। 5 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो कौन सा? तो वह 58वां। भारतीय रिजर्व बैंक ने के डिप्टी गवर्नर का नाम थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 2 अप्रैल को जो सेवानिवृत्त होंगे, तो कौन होंगे? तो वो होंगे बीपी कानूनगो। राइट आंसर क्या है? बीपी सिंह कानूनगो है, वो जो है आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर जो है 2 अप्रैल को उनका कार्यकाल पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दो नंबर क्वेश्चन क्या है, फातिमा आर जकारिया हु डेड रिसेंटली वाज फेमस। जो फातिमा आर जकारिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक प्रसिद्ध क्या है? तो वो एक प्रसिद्ध क्या थी? वो थे पत्रकार। राइट आंसर क्या? पत्रकार। राइट आंसर है डी, पत्रकार थे वो। जाने माने शिक्षाविद विनोद पत्रकार और औरंगाबाद के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान मौलाना आजाद फेम कैंप्स की क्या है निदेशक डॉक्टर फातिमा जकारिया का निधन हो गया है। वे 85 वर्ष की थी। फातिमा जकारिया को शिक्षा और शैक्षिक सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। वे केंद्रीय मंत्री और आज़ाद कॉलेज कैंप्स के संस्थापक स्वर्गीय फ्रीक जकारिया की क्या पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीन नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनी इज प्रोड्यूसिंग आकाश मिसाइल। कौन सी कंपनी आकाश मिसाइल का निर्माण कर रही है? तो कौन सी कंपनी कर रही है? तो है भारत डायनामिक्स जो लिमिटेड है वो भारतीय सेना के आकाश मिसाइल का जो है डिलीवरी शुरू करेगी। सतह से हवा मार्क मिसाइल ये है। इस डिलीवरी को सेना के वायु रक्षा महानिदेशक वरिष्ठ कर्नल कमांडेड लेफ्टिनेंट जनरल एपी सिंह ने हरी झंडी दिखाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चार, हु डिड द 2020 एशियन एएम टर्निंग हैज विन द अवार्ड। किसने 2020 एशियन एएम ट्यूरिंग पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है, किसने जीता है ये पुरस्कार? तो है लॉरेंस गुस्मान प्रोफेसर एमेरिटस ऑफ कंप्यूटर साइंस अल्फ्रेड वी ओ है। उन्होंने ये एसोसिएशन फॉर कंप्यूटरिंग मशीनरिंग एएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। किसने जीता है? तो वो जीता है अल्फ्रेड वी आहो ने। अनौपचारिक रूप से कंप्यूटिंग का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। उन्होंने ओहे ने अपने लंबे समय के सहयोगी जेफरी डेविड उलिमेन के साथ पुरस्कार साझा किया। ओहो और उलिमेन ने 1967 में
बेल लैब्स में एक साथ काम करना शुरू किया था और उनके शुरुआती प्रयासों में प्रोग्रामिंग भाषाओं का विश्लेषण अनुवाद करने के लिए कुशल एल्गोरिदम विकास करना विकसित शामिल था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, पाम मिन चिंग हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जो पाम मिंग है चिन है उनको किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो वह वियतनाम का। राइट आंसर क्या है? वियतनाम। वियतनाम की विधायिका ने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व सुरक्षा अधिकारी और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य है पाम मिन चिन को वोट दिया। निवर्तमान प्रधानमंत्री ग्युआने जुआन फुक को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नेशनल असेंबली के लगभग 500 सदस्यों के मतों पर मोहर लगने के बाद जनवरी में राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान मणि कम्युनिस्ट पार्टी को चुन लिया गया है। देखते हैं आज का सवाल और जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा, और जो सही आंसर देने वाले विजेता रहेंगे उन सभी विजेताओं का नाम दिया जाएंगे अगले वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन क्या आज का वो दोहरा लेते हैं। क्वेश्चन है, हु विल बी अवार्डेड द 13 GD बिरला अवार्ड फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च, जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसके लिए 30वें GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो किसे सम्मानित किया जाएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं कुछ इस प्रकार, अनिरुद्ध सिन्हा, हमेंद्र आर्य, हर्षिकेश गाड़ागिल या सुमन चक्रवर्ती। तो किसको जो है 30वें GD बिरला पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा विकास अनुसंधान के लिए, तो आपको बताना है। जल्दी जल्दी अपने कमेंट के द्वारा आंसर देंगे और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर देते हैं, अच्छा, विच इंस्टीट्यूट हैज साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद स्पेस बोर्ड इंडिया टू डिप्लोप ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रैकेबिलिटी इंटरफेस फॉर इंडियन स्पेस। भारतीय मसलों के लिए ब्लॉकचेन आधारित ट्रस्टेबिलिटी इंटरफेस विकसित करने के लिए स्पाइस सेज बोर्ड इंडिया ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो है UNDP। राइट आंसर क्या होगा? सी। UNDP इंडिया की एक्स लेटर लेब ने कहा है कि उसने कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय मसलों के बारे में जानकारी जुटाने वाले ब्लॉकचेन आधारित ट्रस्टेबिलिटी इंटरफेस के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, हु हैज बीन बी अपॉइंटेड एज द न्यू मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM। अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वह चिंतन वैष्णव को। राइट आंसर क्या होगा? ए, चिंतन वैष्णव को जो है नियुक्त किया गया। इसके अंदर विज्ञान सामाजिक तकनीकी विद है डॉक्टर चिंतन वैष्णव, उनको नीति आयोग के 57वें भारत सरकार के प्रमुख अटल इनोवेशन मिशन के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह टाटा XLTC सर्विसेज द्वारा नीति आयोग में नियुक्त डॉक्टर रामानाथन रमन के पदभार ग्रहण कर रहे हैं, जो जून 2017 से इसके पहले मिशन निदेशक के रूप में AIM का नेतृत्व कर रहे थे। डॉक्टर वैष्णव अमेरिका के मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने वर्तमान कार्यभार से अब AIM के प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। देखते हैं मोटिवेशनल लाइन क्या आज की मोटिवेशनल लाइन। मोटिवेशनल लाइन है कि हालात नहीं वक्त देख, हालात को मत देख वक्त को देख, और याद रख कि वह बदलेगा भी मत। जो हालात है उसको मत देख, वक्त को देख, और वक्त है वो बदलेगा भी, ये भी याद रख। तो कोशिश जारी रखो, आपका वक्त जरूर बदलेगा। देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम। क्वेश्चन क्या है पिछले वीडियो का, कि द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द चेंज ऑफ प्रेजेंट नेम ऑफ तपाली टू वर्थ ऑफ द ग्रेट पोइट महमूदपुर टू परासोली। सरकार ने किस महाकवि की जो तपस्थली है उसका मौजूदा नाम महमूदपुर से बदलकर परासोली करने की मंजूरी दी है, तो उसका राइट आंसर क्या था? सूरदास। और सही आंसर क्या था इसके अंदर? ए। और जिन्होंने सूरदास राइट आंसर दिया है उनमें सीमू लोधी, रोहित कश्यप, सुधांशु कुमारी है टॉप 3, और उसके बाद है मुकेश जांगड़े, जावेद शाह, आशा गोंडिया, पूजा सचदेवा,
शरण कुमार और सोनम सिंह जी। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना। उम्मीद करें वीडियो पसंद आए, वीडियो को फटाफट आगे बढ़ने से पहले एंड होने से पहले लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे। और चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे, किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।